Hello student, today I am discuss about the multiplies. Before class में आपने multiplies के साथ साथ उसका multiples भी जाना था। किसी भी numbers का हम multiples निकालने के लिए हम table के माध्यम से आसानी से before video में भी बताया था और online class में भी बताया था। अभी तक हमने 3 मल्टीपल्स किसी भी नंबर्स का निकालने के लिए जाने हैं। सेम उसी तरीके का वर्क करना है, क्वेश्चन नंबर सी में, बट इसमें हम 5 टाइम्स मल्टीपल्स जानेंगे किसी भी नंबर का। तो चलते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 8। हम 8 का मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे 5 टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर्स। जो भी नंबर दिए रहेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चंस में नंबर दिए रहेंगे, उन सभी नंबर्स का 5 टाइम्स मल्टीपल्स जानेंगे। कैसे निकालेंगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 8। नाउ योर सॉल्यूशन इज आल्सो राइट डाउन। 8 का मल्टीपल्स में 5 चांस करना है। एक का टेबल आसान है, सभी बच्चे एक का टेबल आसानी से जानते हैं। अगर आपको टेबल मालूम है तो 5 चांस या फिर 10 चांस, जितने भी चांस अगर आपको मल्टीपल्स लिखने रहे, जितने टाइम्स आपको लिखने रहे, आप आसानी से एक का टेबल करेंगे और एक का टेबल लिखते जाएंगे, आपका मल्टीपल्स होते जाएंगे। जैसे 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 1 किया है, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 × 16, 8 मल्टीप्लाई 2 8 × 16, 6 राइट डाउन इन दिस प्लेस। 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू सेम प्रोसेस इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड। 8 मल्टीप्लाई 3 8 × 3 = 24। 8 मल्टीप्लाई 4 8 × 4 = 32। एंड लास्ट इज 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 14। 8 × 5 = 14। ये आपका 8, 16, 25, 32, 14 इज द मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 14। हमें केवल मल्टीप्लाई ही करना है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का, देन आफ्टर 2 का, एंड देन आफ्टर वंस अगेन 3 का, एंड 4 एंड 5, बिकॉज 5 चांस में मल्टीपल्स जाने हैं 8 का। इसी भी नंबर का हम 5 चांसेस क्वेश्चन में जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको हम 5 चांसेस मल्टीपल्स जानेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन गिवन है, प्लीज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर। कोई भी नंबर हो उसका हमें 5 चांस मल्टीपल्स जानने हैं, मींस उस नंबर का हमें 5 टाइम टेबल करना है, 5 टाइम टेबल लिखना है, जैसे हम टेबल लिखते आए हैं। कोई चेंजेस नहीं, जैसे ये क्वेश्चन हमारा था, हमें 8 का मल्टीपल्स जानना है भी 5 टाइम्स। 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 14। क्लियर है? नाउ योर आंसर इज फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 are 8
16, 8, 16, 24, 32, and 14. The first five multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, and 14. All the numbers are multiples of 8. And repeat once again. Listen carefully, okay, student. हमें क्या करना है? Write the first five multiples of this number. हम जो नंबर हमें दिया जा रहा है, जैसे 8 है, 12 है, 17 है, ऐसे बहुत सारे नंबर है, 26 है, तो हमें उसे 5 टाइम्स के बाद उसका मल्टीप्लस करना है, 5 टाइम्स का टेबल करना है, जैसे 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 18, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24, 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 32, 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 14, बिकॉज 8 5 इज 14. The first five multiples of 8 are 8, 16, 24, 32, and 14. Is that clear? Now next question number second is, question number second is 12. 12 का हमें multiples जानने हैं 5 टाइम. कैसे करेंगे? According to question number first. Solution. Twelve का है five time multiples जानने हैं. 12 multiply 1 is equal to 12 because 12 is 12. अगर हमें 12 का टेबल नहीं भी मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं? हम 1 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22. देन आफ्टर हम 12 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 23. देन आफ्टर वंस अगेन ऐसे हम करते जाएंगे. कितना चांस? 5 चांस. चलते हैं. 12 का मल्टीप्लाई हमें करना है. 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12. 12 1 का 12. एंड देन आफ्टर 12 मल्टीप्लाई 2. 12 इज 24. 12 2 इज 24. 2 2 इज 4. Write down the ones place. And 2 1 is 2. Write out the tens place. Then after 2 multiply 3 is equal to, you know, 36. Because 3 2 is 6. 6 write down in the ones place. And then after 3 1 is 3. 3 write down in the tens place. And then after 12 multiply 4 is equal to 4 to the 8. 4 to the 8. 8 write down in the ones place and 4 1 is 4. 4 write down in the tens place. That means 4, 12, 4 is 48. Is that clear? And last is 12 multiply 5. Same process. 5 to the 10, 0 write down in the ones place and 1 carry. And 5 under 5 and plus 1, 6. Now 5, 12 5 is 60. You know, these multiples are completed. 12 come 5 times multiply kiye. 5 times ka multiples janne ke liye hum uska 5 time continue sequence mein table kiye. Jaise 12 1 ka 12, 12 2 ka 24, 12 3 ka 36, 12 4 ka 48 and 12 5 ka 60. हमें टेबल बस करते हैं, उस जिसका हमें मल्टीपल्स जानना है उसी नंबर्स का उतने ही चांस जितना चांस उसका मल्टीपल जानना है हमें सीक्वेंस में टेबल राइट कर देना है. इज दैट क्लियर? नाउ आई विल रिपीट वंस अगेन. 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12. 12 मल्टीप्लाई 2, 12 टू द 24 एंड 12 3 इज इक्वल टू 36.
12 for the 48 because 4 to the 8 and 4 by the 4. Same process, 12 5 the 60 because 5 to the 10, 1 carry and 5 to the 5 10 plus 1 6. The total number is 16 and 5 multiplying 5. 12 multiplying 5, 12 5 the 60. And your answer is the first 5 multiples of 12 are 12 into 12, 12 into 24, 12 into 36, 12 4 48, and 12 5 60. The first 5 multiples of 12 are 12 into 12, 12 into 24, 12 3 36, 12 4 48, and 12 5 60. That means the first 5 multiples of 12. 12, 24, 36, 48, and 60. Is that clear? Same process. You got into question number A. 12 come 5 times. Multiply here. 1, then after 2, then after 3, then after 4, and then after 5. हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? Write the first 5 multiples of this numbers. कि मतलब हमें 5 times करने के लिए बिफोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर बी में हमें 3 टाइम्स करने के लिए दिया था, तो हमने 3 टाइम्स किया था. एंड क्वेश्चन नंबर सी गिवन है इज ओनली 5 टाइम्स, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर. हमें 5 टाइम्स करने थे. ये आपका शुरू से हो गया. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी. सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. सेम प्रोसेस. Your solution is 70 multiplied 1 is equal to what? 1 7 the 7 and 1 1 the 1. The answer is 70 because 70 will be 70. Then after 70 multiplied 2. 2 7 जा 40, हम पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. 2 7 जा 40, 4 राइट डाउन इन द वंस प्लेस, 1 कैरी एंड 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3. योर आंसर इज 34 बिकॉज 70 1 जा 70 एंड 70 2 जा 34. द नेक्स्ट वर्ड इज 17 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई by 7 and then after 3 multiply by 1. Say the multiplying first one multiply by 7 and 1 multiply by 1. Say 2 multiply by 7 and then after 2 multiply by 1. 2 multiply by 7, 2 7 ja 40, 4 write down on the one space and then after 2 multiply by 1, 2 1 ja 2 and plus 1 3. Total number is 34. 17 1 is 70 and 70 2 is 34. Then after 17 multiplied 3, 3 7 is 21, 1 write down into 1 space and 2 carry. 7 1 is 7, 7 2 is 3 1 is 3, 7 3 is 21, 1 write down into 2 carry and 3 1 is 3 2 5. Now your answer is 51. 73 is 51. And then after 70 multiplied 4 is equal to 4 7 is 28. 8 write down in the ones place and 2 carry. And once again 4 multiplied 1. 4 1 is 4 and plus 2 8. 4 4
once again, and repeat once again. 4, 7, 28, 8, 9, now, and 2, carry, and 4, 1, 4, plus 2, 6. 6, write down, and total number is 68, because 17, 1, 70, 17, 2, 34, 17, 3, 51, and last 17, 4, 68. And last multiples is 5 multiplied by 7, and then after 5 multiplied by 1. 5 multiplied by 7 and 5 multiplied by 1. 5, 7, 35, 5 and 3 carry, 5 and 5 and plus 3, 8. 85, and the multiples of 17 is 17, 34, 51, 68 and 85. Now your answer is the first 5 multiples are 17, 34, 51, 68 and 85. Is that clear to everyone? And repeat once again. Question number 3 is 17. 17 ka bhi multiples jaane hai 5 chance. Now your solution is 17 multiplied 1 is equal to 17, and 17 multiplied 2 is equal to 34, 17 multiplied 3 is equal to 51, and 17 multiplied 4 is equal to 68, and last 17 multiplied 5, 5 multiplied 17 is equal to also 85. Now your multiples of 17 are 17, 34, 51, 68 and 85. All the numbers are multiples of 17. All the numbers of multiples of 17. Who is the number? 17 1 is 17, 17 2 is 34, 17 3 is 51 and 17 4 is 68. And last is 17, 5 is 85. All the questions are same. No any changes. Question number 1 to question number 3. Same process, and you can do also. Question number 4, 26. Question number 5, 51. And question number 6, 55. Very easy. Hum jante hain aapko 26 and 41 and 55 ka table nahi maloom hai. Aap table nahi jante hain. इसीलिए हमने इसको यहाँ पे मल्टीपल्स करके बताया है. आप मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीपल्स जान सकते हैं. अगर आपको 26, 41 और 55 का टेबल नहीं आता, मुझे भी मालूम है आपको नहीं मालूम है टेबल, तो आप ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीपल्स जान सकते हैं. जितने टाइम्स आपको मल्टीपल्स जानना है उस नंबर का आप उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप टेबल करते समय करते हैं. इज दैट क्लियर? सो you must be solve question number 4, 5 and 6 in your PC copy at your home. Clear? Very good.